सुशांत जी ये बताइए जो वेब सीरीज अभी किस नाम से बना रहे हैं, इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? बस ये समझ लीजिए पुरानी गेमर है और आजकल पबजी, फोर्टनाइट, एपेक्स लेजेंड सब कुछ काफी हॉट है और इस कंटेंट को काफी लाइक कर रहे हैं यूथ। तो आगे का फ्यूचरिस्टिक स्कूल कैसा होगा, कैसा रूप लेगा? और अब एक नया ट्रेंड चला है कि गेमिंग बड़ी खराब है, गेम्स नहीं खेलने चाहिए और एडिक्शन तो हर चीज की खराब है और हर चीज लिमिट में अच्छी है, लेकिन ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ट्विच में, यूट्यूब में जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो करा है और इतना अच्छा लास्ट 1 से 2 साल में ग्रो करा है कि लोग अपने 20-20 साल के करियर में नहीं कर पाते। तो यही है, थोड़ा कॉमेडी के रूप में दिखाने के लिए था कि पेरेंट्स किसी चीज के पीछे भागे ना, बहुत ज्यादा पागल ना बने। सबसे बड़ा चैलेंज आपको इस वेब सीरीज को बनाने में क्या था? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि क्लाइंट्स के लिए और जो हमारे कई बार शॉर्ट फिल्म्स के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हमारा कुछ एक बजट होता है। बजट के कारण हम अपने प्रोडक्शन हाउस से अच्छे कैमरास, अच्छे लेंसेज, प्राइम लेंसेज, CP2 लेंसेज, क्रेन, ड्रोन सब कुछ मंगवा सकते हैं। लेकिन आजकल का यूथ जो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग यूथ है उसके पास जरूरी नहीं कि 1-2 लाख रुपए हो, इवन या 10,000-20,000 रुपए हो जो कि वो एक अच्छा कैमरा खरीद सके, इवन एक ट्राइपॉड खरीद सके या इवन एक लाइट खरीद सके। तो इसमें हमारी टीम ने एक चैलेंज को लेते हुए ये सोचा था कि किसी तरह हम 1,000 के बजट से नीचे कुछ 8 से 10 शॉर्ट फिल्म्स बनाए। और इसमें सबसे मजेदार बात यह रही कि इसमें हमारे जो भी प्रॉप्स हैं वो हमने अपने दोस्तों से लिए हैं। केवल एक चीज हमने इसमें खरीदी, 1,000 रुपए की जगह हमारी पिछली 2 मूवीज केवल 2 रुपए में बनी है, जो कि आप ये स्टैंड में 2 रुपए का बटर पेपर देख रहे हैं लाइट को डिफ्यूज करने के लिए। इसका स्टैंड हमारा कपड़े डालने का स्टैंड है, हैंड हैंड हमने अधिकतर मूवी को शूट करा है, टूटे हुए ट्राईपॉड जो लोगों ने फेंक दिए थे उसको हाथ में एक डंडे की तरह हमने यूज करा है और एक्टर्स सारे हमारे अनाउंस थे जिनको हमने वर्कशॉप में ट्रेन करा और खुद मैं इसमें मैंने पार्टिसिपेट इसमें करा। एक्टिंग आपने खुद की है? हाँ जी, तो इसको करके हमने ये ध्यान दिया कि हम बहुत बहुत महंगे इक्विपमेंट्स में ना जाएं, जो एक बेसिक इक्विपमेंट्स हैं यूथ के पास, स्कूल के बच्चों के पास, कॉलेज के बच्चों के पास, एक नॉर्मल मोबाइल कैमरा, उससे वो कैसे अपने अच्छे कंटेंट को ला सकते हैं ऑडियंस तक। और किसी चीज के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे पूछते हैं कि सर क्या मेरी क्वालिटी इस कैमरे से अच्छी हो जाएगी, क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं वो कर लूं, मैं साउंड का ये खरीद लेता हूं, मैं साउंड का वो खरीद लेता हूं। तो मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूं कि पहले आप अपने कंटेंट पे, एक्टिंग पे, उसकी एडिटिंग पे, इन चीजों पे बेसिक दीजिए, स्क्रिप्ट, स्टोरी, स्क्रिप्ट प्ले और स्टोरी, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजें तो होते रहेंगे। अच्छा ठीक, तो 0 बजट की ये मूवी हमारे मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी बिहाइंड द सीन्स और मेकिंग भी हमारा अगला मकसद है बनाने का, ताकि आप सब लोग जो अभी YouTube या और सोशल मीडिया माध्यम से जुड़े हैं वो सब सीख सकें, समझ सकें कि आखिर ये प्रोडक्शन प्लानिंग एक 0 बजट के साथ कैसे कर कैसे सकते करते हैं। हैं, यानी कि जो नए बिगिनर्स हैं या यूट्यूबर्स के जो कह सकते हैं हम, जो नए उसमें काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है जो सर ने दिया कि आप अपना कंटेंट अगर मजबूत रखें तो बाकी अपनी चीजें आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी ये चीज बना सकते हैं। हाँ जी, और यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए द पावर ऑफ नाउ, इस पे आप बिलीव करिए, कोई भी चीज इस संसार में परफेक्ट नहीं होती। आप सोचेंगे अब मैं परफेक्ट करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, और मैं परफेक्ट करता हूं, और मैं परफेक्ट करता हूं, महीने साल ऐसे ही निकल जाते हैं। आपके पास जो भी ये कंटेंट है अच्छा आप उसको करिए, 2, 4, 5, 6 बारी उसको रिवाइज करिए, एक टाइम फ्रेम अपने लिए रखिए कि इतने टाइम में मैंने कर ही लेना है, इतने टाइम में मैंने स्टोरी स्क्रीन प्ले कंप्लीट ही कर देना है, इतने टाइम में मैंने इसको शूट कर लेना है और इतने टाइम में मैंने इसको एडिट कर देना है, जो कल के दिन आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। थैंक यू सुशांत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे नए, खासकर जो नए बिगनर्स हैं, और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपकी नई वेब सीरीज किसके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट सुशांत जी। जरा इस सेटअप के बारे में बताइए जरा आप। बस ये इसमें मेरा एक मोटे आदमी का करेक्टर था, फनी,
तो मैंने थोड़ा ड्रेसिंग ऐसे करी है, बाल ऐसे करे हैं कि मैं थोड़ा फनी दिखूं। और इस बार ये हमारे पास चैलेंज था कि जीरो बजट में हम सारा सेटअप करें। तो बस ये अमेज़न से आए हुए डिब्बे में 2 रुपए का बटर पेपर करके एक लाइट हमने क्रिएट करी है, बाकी रूम की लाइट्स हैं। एक्शन 1 2 3। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मजा नहीं आया फ्लो में। गौर से देखिए इस लाल साल के पानी को, देखिए ऑडियंस तो कुछ और ही सोच रहे थे। चलो ठीक है, चलो नागिन नागिन अजीब सही आई थी।